गुड मॉर्निंग। आगे देखिए, करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस वीडियो में हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और सिग्नम फंक्शन तीनों कवर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना है, हर कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझना है। देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिफाइंड एज y इज इक्वल टू, ये साइन होता है ब्लॉक ब्रेक ब्लॉक, y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, वेयर ब्लॉक के अंदर x लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर सच दैट n, ग्रेटेस्ट इंटीजर n कोई भी इसकी वैल्यू होगी, सच दैट n जो है लेस देन इक्वल टू x होगा। जैसे देखिए, नंबर लाइन के ऊपर किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे। दिस इज नंबर लाइन 1, 2, 3, 0, -1, -2। अब आप 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना चाह रहे हैं, तो नंबर लाइन में नंबर्स राइट टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन में इंक्रीज होते जा रहे हैं। 1.5 ये है, दिस इज 1.5, तो 1.5 तक पहुंचते हमने लार्जेस्ट किस इंटीजर को पार किया, दैट इज 1। तो 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, सॉरी दिस इज 1। इसी तरह से 2.1 लेंगे, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मींस 2 को हमने पार कर लिया, दिस इज 2.1। 2.1 को के पास पहुंचे हम, उससे पहले हमने लार्जेस्ट किस इंटीजर को कवर किया है, लार्जेस्ट इंटीजर वो क्या है आपका, 2 है। इसी तरह से जैसे ये दिस पॉइंट इज माइनस पॉइंट फाइव का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो कितना आएगा, राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं हम, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, इधर नंबर्स इंटीजर्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो माइनस पॉइंट फाइव पर पहुंचे उससे पहले हमने लार्जेस्ट किस इंटीजर को पार किया है, माइनस वन को, तो माइनस 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, माइनस 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, माइनस 1। तो समझ में आ गया होगा, इट मींस यहां पर x 1.5 है x, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या हुई, 1.5 हुई, मींस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हुआ, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर n कोई इंटीजर होगा सच दैट n x से के इक्वल भी हो सकता है या उससे छोटा होगा। जैसे हम 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल, दिस इज 3 इटसेल्फ, 3 पर पहुंच गए हम, और 3 तक पहुंचते हमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा मिला है, 3 मिला है, तो 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो गया, एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, 3 हो गया। इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, देखिए लाइक यहां पर 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 है, 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 है, माइनस 3.1 मींस हमारी स्थिति यहां है, हम माइनस 3 पर नहीं पहुंचे हैं, और इससे पहले हमने कौन सा इंटीजर पार किया है, -4, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कहता होगा -4। तो फंक्शन, ए फंक्शन f इज सच दैट r चेंजेस टू r इज डिफाइंड एज ग्रेटेस्ट, डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, x जहां पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, किसी भी रियल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर आप निकाल सकते हैं, उसके डेसिमल पार्ट को हटा देंगे, जो इंटीग्रल पार्ट बचेगा पॉजिटिव केसेस में, पॉजिटिव नंबर के केसेस में, तो सिर्फ क्या करते हैं, डेसिमल पार्ट हटा देते हैं। तो इसका रेंज क्या आएगी, रेंज इसका रिजल्ट हमेशा क्या आता है, इंटीजर्स आता है, रेंज क्या आएगी आपकी, इंटीजर्स आएगी। तो डोमेन इसका कोई भी रियल नंबर है, एंड रेंज इसकी क्या है आपका, इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब देखिए, ग्राफ ड्रा करते हैं हम, दिस इज
एक्स और वाई, दिस इज एक्स दिस इज वाई। हमने जीरो रखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, जीरो का ग्रेटेस्ट इंटीजर जी 0.009 रखा तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, जीरो, क्योंकि 0.009 तक पहुंचते पहुंचते हमने बड़े से बड़ा इंटीजर कौन सा पार किया है, किस पे पहुंचे हैं, जीरो पे। इसी तरह से 0.9 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, जीरो, लेकिन 1 पर पहुंचते ही ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, हो जाता है 1। तो 0 से लेकर के हम 0.999 तक गए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो था, वाई की वैल्यू जीरो थी, वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो एक्स को हमने जीरो से लेकर के, जीरो भी इंक्लूड है, जीरो से लेकर के हमने 0.9999 तक इसको वेरी नियर टू वन तक प्रोसीड करवाया, ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना रहा आपका, जीरो रहा। लेकिन जो ही एक्स की वैल्यू वन होती है, वन का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ गया आपका, वन आ गया, तो ये यहां पर जंप कर जाए, वाई की वैल्यू यहां हो जाए। बीच में ब्रेक है, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। अब 1.5 निकाला, 1.5 दिस इज इक्वल टू 1, 1.9999 इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, 1 है। लेकिन जो ही हम 2 के ऊपर जाएंगे, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 2। तो आप कहां गए, 1 पॉइंट पे गए, 1.5 पे गया ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1.99 पे भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो ये ग्राफ आ गया। लेकिन जो ही आप 2 पे गए हैं, 2 पे इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया, दिस इज 2। एंड 2 से लेकर के 3 से छोटा कोई भी नंबर होगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा। एंड जब हम 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे, ये फिर जंप कर जाएगा ग्राफ, और यहां से क्या आ जाएगा, 4 से छोटी कोई भी टर्म होगी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा आपका, दिस इज 3। सिमिलरली अगर हम नेगेटिव क्वांटिटी माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 1 होगा। माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 1 का। जैसे माइनस 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमने देखा था, दिस इज कितना है, माइनस 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालिए और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 3.1 पॉजिटिव है, तो 3.1 पर पहुंचते पहुंचते हमने कौन सा ग्रेटेस्ट, कौन सा इंटीजर पास किया है जो बड़े से बड़ा हो, दैट इज 3। तो माइनस 3 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू माइनस 4। तो इसको याद रखेंगे, प्रॉपर्टी क्या है आपका, माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको यहां लिख लो, दिस इज माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके इक्वल होता है, माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 1, माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 1। तो इसी तरह से नेगेटिव जोन में भी इसका ग्राफ कह सकते हैं, इस फंक्शन को हम स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। अब इसके प्रॉपर्टीज देखिए, प्रॉपर्टी क्या है, ये कहता है कि हमने देखो इस ग्राफ से स्टडी करते हैं, हमने क्या देखा कि x कोई भी नंबर है, x 2 और 3 के बीच में, x इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 2 है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ले लो, तो x का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, 3 पर तो पहुंचे नहीं है, बड़े से बड़ा इंटीजर कौन सा पार किया हमने, 2, सो दिस इज इक्वल टू 2। तो x हमेशा क्या होगा आपका, x की जो वैल्यू होगी, x के ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 जोड़ दो, उससे छोटी होगी, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, 2 है, तो x इज लेस देन 2 प्लस 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। मींस x इज ऑलवेज लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू x ऑफ ग्रेटेस्ट। ये इक्वल कब हो जाएंगे, जब x खुद एक इंटीजर है, x अगर इंटीजर मान लो 3 ले लिया, तो 3 इज लेस देन 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये तो 3 आ गया इक्वल हो गए, लेकिन 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 प्लस 1
फोर सी भी क्या होगा छोटा होगा। तो एक्स कोई भी नंबर है आपका, तो एक्स इज लेस देन एच ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस वन और ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब यहीं से हम क्या करें, एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखते हैं तो एक्स से छोटा होगा लेकिन एक्स माइनस वन से बड़ा होगा। जैसे 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखा हमने, दिस इज इक्वल टू 3 है तो ये किससे छोटा है, दिस इज 3.2, एक्स जो था हमारे पास उससे छोटा है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू किसके है 3.2 माइनस 1 से क्या है आपका बड़ा होगा, दिस इज ग्रेटर देन। सिमिलरली नेक्स्ट लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स इज एक्स ग्रेट लेस देन इक्वल टू क्या है आपका एक्स इक्वल टू कब हो जाएगा, जब आपका ये इंटीजर है ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स एंड ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स माइनस वन, दिस इज ग्रेटर देन, दिस इज ग्रेटर देन, दिस इज ग्रेटर देन। अब देखिए अगर इसी इनइक्वालिटी के अक्रॉस हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको बताया था कि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर है दिस विल बी लेस देन है ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एक्स एंड लेस इससे ग्रेटर देन था अब क्या हो जाएगा लेस देन माइनस एक्स प्लस वन, माइनस से मल्टीप्लाई किया ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू था ग्रेटर देन इक्वल टू में हो गया, ग्रेटर देन था लेस देन में आ गया। अब दोनों तरफ अगर हम एक्स ऐड कर दें तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिस इज लेस देन इसमें एक्स से एक्स कट जाएगा एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज लेस देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है जीरो। तो ये चीज है आपकी, x माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज ऑलवेज लेस देन वन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। थर्ड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई इंटीजर है जैसे 2 है, 2 प्लस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना चाह रहे हैं तो क्या होगा, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है प्लस क्या करेंगे एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। जैसे हमारे पास 3.5 है एंड प्लस 4 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे, दिस इज 7.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड ये क्या आ गया आपका 7। अगर इसको सेपरेटली करते हैं जैसे इस प्रॉपर्टी से तो क्या आ जाएगा, ये इंटीजर है दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 3 दिस इज आल्सो 7। तो इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस m, m इज एनी इंटीजर इज इक्वल टू m प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, जहां पर m की से बिलोंग करता है आपका इंटीजर से बिलोंग करता है। नेक्स्ट देखिए, अगर एक्स वाई है, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर है प्लस y ग्रेटेस्ट इंटीजर, दिस इज लेस देन इक्वल टू x प्लस y ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस y का ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड प्लस 1। देखिए जैसे हम 3.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया, दिस इज इक्वल टू किसके है 3 के इक्वल है एंड 5.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया, दिस इज किसके इक्वल है दिस इज 5। तो x अगर हम 3.4 लिया, y किसके इक्वल लिया 5.7 के इक्वल, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ गया 5 आ गया, तो इन दोनों का सम कितना हो गया 3 प्लस 5। अब देखिए अगर इन दोनों को पहले ऐड करके 3.5 में 5.7 ऐड करते हैं फिर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं, दिस इज क्या 7.5 12.9, दिस इज किसके इक्वल हो गया आपका 9 के इक्वल हो गया एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 इज लेस देन इक्वल टू सॉरी 8 इज लेस देन इक्वल टू क्या आपका 9। तो ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। अगर दो नंबर है आपके पास उनका सेपरेटली आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं,
दैट विल बी लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू भी हो सकता है। अगर यहां पर हम क्या लेते हैं, एक तो ले लिया हमने 3.4, दूसरा 5.2 लेते, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है 5, लेकिन दोनों को ऐड करते हैं, 3.4 में 5.2 ऐड किया, अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 8.8 कितना आ गया 6, एंड इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा 8। तो अब क्या है दोनों ये इक्वल है, तो प्रॉपर्टी क्या हुई, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस y का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x प्लस y का ग्रेटेस्ट इंटीजर, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू, सेपरेटली इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल के उसमें एक ऐड कर देते हैं, तो उससे हमेशा इक्वल या उससे छोटा रहेगा। अब देखिए ये कह रहा है कि x का ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड प्लस माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, अगर आपका x इंटीजर है, x बिलोंग्स टू z, तो देखिए माइनस 3 है जैसे इंटीजर, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा माइनस 3, क्योंकि माइनस 3 एक खुद इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब इंटीजर निकल के आएगा। तो यहां पर ये क्या होता है आपका, दिस इज माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो गया, अगर ये इंटीजर है तो क्या आ जाएगा x माइनस x आ गया, दिस इज इक्वल टू 0। अगर ये आपका इंटीजर नहीं है तो ग्रेटेस्ट माइनस नेगेटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके इक्वल होता है, ये कब वैलिड है, व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू z, x डज नॉट बिलोंग्स टू z, x z से बिलोंग नहीं करता, तो क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज x का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, दिस विल बी इक्वल टू माइनस 1 व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू z, व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू z। नेक्स्ट देखिए x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज ग्रेटर देन इक्वल टू n है, n है, इसका मतलब ये है जैसे x कोई भी नंबर है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 या 5 से बड़ा है, तो यहां पर 5 होगा तो भी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 आ गया, 5.6 होगा तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू 5, एंड 6.9 होगा तब ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है 6, मींस 5 से बड़ा होगा। अगर x का ग्रेटेस्ट इंटीजर n से, n एक इंटीजर है इससे बड़ा है, तो n बिलोंग्स टू किससे आ जाएगा, n बिलोंग x बिलोंग्स टू, x किससे बिलोंग करेगा, n से लेकर के, n से लेकर के कहां तक जाएगा आपका इंफिनिटी तक जाएगा, x बिलोंग्स टू n टू इंफिनिटी। सिमिलरली अगर ये सिर्फ ग्रेटर देन बड़ा, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है तो क्या आ जाएगा, दिस इज क्रॉस इंटरवल n प्लस 1 लिख दो, क्योंकि जैसे आपका 5.2 है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी कितना है आपका, दिस इज 5, और 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी कितना है 5 है, तो n से बड़ा है, मींस यहां पर x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या लिया आपने, ग्रेटर देन 5 है, तो 5 से लेकर के 6 तक जो भी क्वांटिटी होगी, 6 से लेस सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 होगा, 5 से बड़ा नहीं होगा, तो n प्लस 1 से लेकर के कहां लेंगे इंफिनिटी तक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर लेस देन n है, देन n लेस देन n है, तो n का दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू किससे बिलोंग करेगा आपका, माइनस इंफिनिटी से लेकर के, x माइनस इंफिनिटी से लेकर के कहां जाएगा आपका n तक जाएगा, n तक। जैसे देखो एग्जांपल लेके देखिए, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन 5 है, लेस देन 5, तो n कहां आ सकता है, n 5 से छोटा ही रहेगा, 5 से छोटा रहेगा और माइनस का तक जा सकता है, इंफिनिटी तक जा सकता है। अगर ये इक्वल होता x का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज लेस देन इक्वल टू 5 है, तो क्या हो जाता इंफिनिटी से लेकर के ये क्या होता 5, बल्कि क्या होता 5 प्लस 1 ओपन इंटरवल है, 5 प्लस 1 ओपन इंटरवल मींस 6 से छोटा है, ओपन इंटरवल का मतलब वो नंबर उसमें इंक्लूड नहीं होता, या आप ये लिखते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 5, या n का
क्लोज्ड इंटरवल इन, लेकिन आगे कुछ नंबर ऐसे बन जाते हैं जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 5 आ सकता है, तो इसलिए हम ओपन इंटरवल करके इसको ओपन इंटरवल करके n प्लस 1 लेते हैं। तो ये आपकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टीज हैं, इनको ध्यान रखिएगा, इनके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेकर के इनको सॉल्व करो। नेक्स्ट देखिए, ये है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इट इज डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, कर्ली ब्रैकेट में इंक्लोज करते हैं एक्स को, इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर। फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव होता है और जीरो और वन के बीच होता है, जीरो इसमें इंक्लूड होता है लेकिन वन नहीं हो सकता। लाइक हम 3.2 का फ्रैक्शनल पार्ट निकाल लें, फार्मूले में रखिए दिस इज इक्वल टू 3.2, एक्स कितना 3.2 माइनस 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, दिस इज इक्वल टू 3.2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0.2, ये जीरो और वन के बीच है। इसी तरह से 5.9 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालने हैं, दिस इज इक्वल टू एक्स क्या यहाँ पर 5.9, दिस इज 5.9 माइनस 5.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, दिस इज इक्वल टू 5.9 माइनस 5 इज इक्वल टू 0.9, दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट। तो ऐसे फ्रैक्शनल पार्ट निकाल सकते हैं। इसके अंदर डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, किसी भी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, किसी भी रियल नंबर का आप फ्रैक्शनल पार्ट निकाल सकते हैं। जैसे आप 3 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे, 3 खुद एक इंटीजर है, 3 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा 0, इंटीजर्स का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है 0, माइनस 5 है, माइनस 5 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा आपका 0, बिकॉज ये इटसेल्फ एक इंटीजर है। एंड रेंज क्या होगी इसके अंदर, रेंज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट क्या होती है आपका, दिस इज क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1, वन ओपन इंटरवल, यानी कि किसके बीच लाई करेगा, 0 और 1 के बीच लाई करेगा, और हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा फ्रैक्शनल पार्ट। अब देखिए, अगर आप मान लो नेगेटिव नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना चाह रहे हैं, नेगेटिव जैसे -3.2 है, -3.2 का फ्रैक्शन पार्ट निकालेंगे, किसके इक्वल आएगा, ये एक्स के यहां पर -3.2 है, तो एक्स माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, एक्स क्या है -3.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3.2। अब हमें ये पता है एक्स अगर इंटीजर नहीं है और माइनस एक्स का फ्रैक्शन पार्ट कितना होता है, माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स माइनस 1 बताया जाएगा, तो देखिए क्या आ जाएगा, दिस इज -3.2 माइनस, इसको ब्रैकेट में ले क्या आएगा यहां पर, -3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड माइनस वन, ये बताया था, दिस इज इक्वल टू -3.2 प्लस 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, माइनस माइनस प्लस हो गया एंड प्लस 1, तो क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज -3.2 प्लस 3 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू -0.2 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 8.8, दिस इज 0.8, दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट। ये भी पॉजिटिव आया है, तो फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल पार्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे x यहां पर क्या है, x किसके बीच लाई कर रहा है, x इज लेस देन 3 माइनस 3 एंड ग्रेटर देन माइनस 4, x लेस देन 3 ग्रेटर देन माइनस 4 3.2 है, तो इसका x यहां हो तो उसका फ्रैक्शन पार्ट निकालते हैं तो किसके बराबर होगा, x प्लस 4 का फ्रैक्शन पार्ट, इसमें माइनस 3 समथिंग है तो इसमें एक बढ़ के इंटीजर ऐड कर दो, x प्लस 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, दिस इज 4 माइनस 3.2 का फ्रैक्शनल पार्ट, दिस इज इक्वल टू माइनस ये क्या बचा 0.8 का फ्रैक्शनल पार्ट, एंड 0.8 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा आपका
दिस इज 0.8 इटसेल्फ। तो उसके अंदर अगर आप इसे बड़ा इसे छोटा यानी कि प्रीवियस इंटीजर इसमें ऐड कर देंगे तो भी आपका फ्रैक्शन पार्ट दे देगा। अब देखिए ग्राफ ड्रा करते हैं इसका, ग्राफ कैसे फ्रैक्शन पार्ट का, फ्रैक्शन पार्ट की मैक्सिमम वैल्यू 1 से कम होगी, 1 से कम होगी एंड 0 हो सकती है। तो देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x है, वैल्यू रखेंगे यहां पर, टेबल बनाते हैं, दिस इज x, दिस इज y। अगर आपका 0 0 का फ्रैक्शन पार्ट 0, 0.5 फ्रैक्शन पार्ट कितना है 0.5, 0.999 है फ्रैक्शन पार्ट, क्या है 0.999। तो यहां से ये चला जाएगा, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज -1, दिस इज -2, ऐसे। लेकिन जो ही एक्स 1 गया तो इसका फ्रैक्शन पार्ट कितना होगा 0। तो यहां पर ये नहीं टिकेगा, एक्स अगर 1 है तो फ्रैक्शन पार्ट 0, फिर यहां से शुरू। अब आगे नंबर लिखते हैं, जैसे 1.2 है फ्रैक्शन पार्ट कितना है 0.2, 1.9 है फ्रैक्शन पार्ट कितना है 0.9, लेकिन 2 पर जाते ही फिर इसका फ्रैक्शन पार्ट कितना हो जाएगा 0। इस तरह से ग्राफ है। फिर यहां से फिर आगे और लिखेंगे, 3 से छोटे तक का सभी 1 तक जाएगा, 1 पूरा नहीं होगा। अब 3 होते ही फिर फ्रैक्शन पार्ट क्या जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये फंक्शन ऐसा है जो एक सर्टेन पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज ए पीरियोडिक फंक्शन, दिस इज ए पीरियोडिक। हर 1 के बाद ग्राफ 0 से 1 गया, 1 से 2, फिर वही रिपीट हुआ, 2 से 3, फिर रिपीट हुआ, तो दिस इज ए पीरियोडिक फंक्शन, दिस इज ए पीरियोडिक फंक्शन। और इसका पीरियड कितना है, पीरियड इज पीरियड 1 है, यानी कि 1 पीरियड इज इक्वल टू 1, पीरियोडिक फंक्शन है और पीरियड कितना इसका 1 है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, बना के देखिए आप, बुक की हेल्प लीजिए। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, नंबर 1, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लेस देन 1 होता है एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर n कोई इंटीजर है प्लस x का फ्रैक्शनल पार्ट देखते हैं तो n का फ्रैक्शनल पार्ट तो क्या होता है 0 होता है, इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है। जैसे 3 प्लस 4.2 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे, इसका फ्रैक्शनल पार्ट तो डेसिमल पार्ट तो इसका 0, तो किसके इक्वल आ जाए, दिस इज 4.2 का फ्रैक्शनल पार्ट एंड 4.2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना है आपका, दिस इज 0.2, दिस इज 0.2। इसी तरह से फ्रैक्शनल पार्ट में उस नेगेटिव एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट प्लस एक्स का नेगेटिव एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट ऐड करेंगे, दोनों अगर आपके इंटीजर्स हैं, एक्स इंटीजर है, जैसे 3 का फ्रैक्शनल पार्ट, 3 का फ्रैक्शनल पार्ट दिस इज 0 एंड प्लस माइनस 3 का फ्रैक्शनल पार्ट दिस इज अगेन 0, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। लेकिन जब आप ये लेते हैं एक्स कोई नॉन इंटीजर है तो दोनों का सम कितना होगा 1। कैसे, देखिए एक्स का फ्रैक्शन पार्ट क्या है, एक्स माइनस एक्स का वैलिडेशन इंटीजर माइनस सॉरी प्लस प्लस इसका लिखेंगे क्या आएगा, दिस इज माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया, दिस इज एक्स माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये क्या आ जाएगा आपका माइनस एक्स एंड माइनस माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसका पता है हमें माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर व्हेन एक्स इज नॉट एन इंटीजर कितना होता है, माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होता है। तो वैल्यू रखेंगे एक्स माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर
माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाए, चलो माइनस ले लो एक बार ब्रैकेट में ले लो माइनस एक्स का ग्रेट इंटीजर माइनस वन, दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स प्लस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड प्लस वन, एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर से एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स क्या बचा वन, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स आपका कितना होता है वन होता है जब एक्स इंटीजर नहीं है, जीरो होता है जब एक्स क्या है इंटीजर है। अब देखिए डोमेन बता दिया आपको, डोमेन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज इक्वल टू आर होता है, कोई भी रियल नंबर, और रेंज क्या होती है रेंज इज इक्वल टू जेड, लेकिन एफ एक्स इज इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है वन अपॉन एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट, तो यहां पर इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन वो नहीं हो सकता जिनके लिए फ्रैक्शनल पार्ट एक्स जीरो हो जाए, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो होता है अगर एक्स कहां से बिलोंग कर रहा है, एक्स जीरो हो या वन से छोटा हो, जीरो हो या वन से छोटा हो, ये इस केस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स अगर जीरो से वन, सिमिलरली एक्स बिलोंग्स टू क्या है, एक्स बिलोंग्स टू किससे करेगा, अगर आप वन से लेकर के टू तक लेते हैं, वन के ऊपर लेते हैं एक्स इज इक्वल टू अगर वन है तो भी फ्रैक्शनल पार्ट कितना जीरो, एंड एक्स इज इक्वल टू टू है तो भी फ्रैक्शनल पार्ट कितना जीरो, तो कोई भी इंटीजर नहीं होना चाहिए और x जीरो दिस इज कोई इंटीजर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज x का फ्रैक्शनल पार्ट जीरो कब होगा व्हेन x बिलोंग्स टू x मस्ट नॉट बिलोंग्स टू z, इंटीजर्स नहीं होना चाहिए, मैं नीचे वाले का फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी जीरो। अगला है सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन ए फंक्शन डिफाइंड एज एस जी एन एक्स, ऐसे लिखते हैं, कैसे डिफाइंड होता है एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स अगर जीरो के इक्वल नहीं है तो एक्स अपॉन एक्स मॉडुलस, एंड एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो जीरो, इसको और कैसे डिफाइंड कर सकते हैं, हमें ये पता है एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो तो मॉडुलस एक्स इज इक्वल टू एक्स ही होता है, तो एक्स ग्रेटर देन जीरो हुआ तो एक्स मॉडुलस एक्स भी एक्स हो जाएगा, एक्स अपॉन एक्स कितना था वन, एंड एक्स इज इक्वल टू अगर जीरो है तो क्या फंक्शन दे रखा है जीरो, लेकिन एक्स इज लेस देन जीरो है, एक्स अगर लेस देन जीरो है तो हमें पता है मॉडुलस की कैरेक्टरिस्टिक से माइनस एक्स हो जाएगा, मॉडुलस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स अपॉन माइनस एक्स क्या आ जाएगा आपके पास माइनस वन, दिस इज माइनस वन, तो सिग्नम फंक्शन क्या होता है एक्स इज इक्वल टू जिस फंक्शन के सिग्नम लगा हुआ है वो फंक्शन अपॉन उसका मॉडुलस, व्हेन नॉट इक्वल टू इसको जीरो नहीं बना रहा तब, एंड जीरो है तो फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं जीरो, जैसे y इज इक्वल टू सिग्नम एक्स स्क्वायर माइनस वन लिया तो किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन का मॉडुलस, जब मॉडुलस एक्स एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है मॉडुलस एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड मॉडुलस सॉरी नॉट इक्वल टू वन, अगर क्योंकि वन के ऊपर मॉडुलस एक्स वन है तो ये दोनों प्लस माइनस वन एक्स इज इक्वल टू क्या प्लस माइनस वन हो जाएगा, दोनों पर ही जीरो हो जाता है और जीरो पर अलग तरीके से फंक्शन डिफाइन है, तो मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन वन है तो पूरा पार्ट ये पॉजिटिव हो गया तो क्या आ जाएगा दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन दिस इज इक्वल टू वन हो जाएगा, लेकिन एक्स मॉडुलस लेस देन जीरो लेस देन वन है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो दिस इज इक्वल टू कितना होगा माइनस वन, और जीरो के एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस वन के ऊपर डिफाइंड है दिस इज क्या आगा आपका जीरो, तो इसका सिग्नम फंक्शन निकालेंगे क्या आगे वन माइनस वन जीरो,
तो हमेशा सिग्नम फंक्शन की जो रेंज होगी, रेंज ऑफ सिग्नम फंक्शन क्या होती है, दिस इज इक्वल टू 1, 0, -1, तीन एलिमेंट होते हैं। और डोमेन क्या होगा, आपका डोमेन ऑफ सिग्नम फंक्शन क्या होगा, दिस इज कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो ये था आपका सिग्नम फंक्शन। हमने फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन किया। नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, डीपीपी करेंगे इसके ऊपर।